अग्निपथ योजना को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन के बीच आज विपक्षी दलों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस ने कहा कि उसके कार्यकर्ता देश भर में शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि यूपी के कुछ हिस्सों में उनकी पार्टी प्रदर्शन करेगी। राजधानी क्षेत्र में एहतियात के तौर पर 31 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। आज बिहार के 20 जिलों में इंटरनेट सेवा भी बंद रहेगी। वहीं दूसरी ओर कथित तौर पर फर्जी खबरें फैलाने वाले 35 व्हाट्सएप ग्रुप्स को भी सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है। वहीं कुछ संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। राज्यों की ओर से एहतियातन कदम उठाए गए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी ईला जो हैं वो मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। ईला, तो हालांकि शुरुआत का वक्त है, कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन का भी ऐलान किया गया है, तो अभी क्या कुछ माहौल चल रहा है? जी बिल्कुल श्वेता, आज के प्रदर्शन को देखते हुए लगातार पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि अग्निवीरों का प्रदर्शन जारी है और अग्निपथ स्कीम को लेकर के जोरों शोरों से प्रदर्शन देश भर में हो रहा है, जिसके चलते कई चीज़ों पर इसका असर भी पड़ा है, चाहे वो ट्रेन हो चाहे वो रोडवेज हो। अगर हम बात करें दिल्ली से सटे नोएडा की, तो नोएडा में भी यमुना एक्सप्रेसवे पे पिछले हफ्ते हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शनकारियों ने वहाँ पर बवाल मचाया और जिसके बाद कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया। अगर बात की जाए गौतम बुद्ध नगर की, तो यहाँ पर सेक्शन 144 पुलिस ने लगा दिया है, जिसके तहत चार लोगों से ज़्यादा लोग इकट्ठा होने की यहाँ पर अनुमति नहीं है और तो और सुरक्षा भी यहाँ पर कड़ी कर दी गई है। वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा ने भी अपनी पूरी तैयारी कर दी है। दिल्ली से सटा हुआ इलाका है हरियाणा और वहाँ पर वीडियोग्राफी के जरिए नज़र रखी जाएगी कि कौन वहाँ पर उत्पात मचा रहा है। और साथ ही साथ आज कांग्रेस का एक डेलीगेशन भी जाएगा प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद से मिलने, और उसके बाद साथ ही साथ उनका जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन था जो कल भी जारी रहा था, तो वो आज भी जारी रहने वाला है। वो प्रदर्शन इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि दो चीज़ें हैं। पहली तो ईडी से आज एक बार फिर से ईडी राहुल गांधी से मुलाकात करेगी और पूछताछ करेगी, और दूसरी चीज़ है कि वो लगातार अग्निवीर और अग्निपथ स्कीम के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार जो है बिल्कुल। तो आज जो है भारत बंद का आह्वान किया गया है, भारी विरोध प्रदर्शन की आशंका है। इसी को लेकर कई जो राज्य हैं, स्टेट्स हैं, वो अलर्ट पर हैं। सुरक्षा के मद्देनजर जो है एहतियातन उन्होंने सुरक्षा बढ़ा दी है। बिहार में जो है इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया इला आपका इस जानकारी के लिए, और इस खबर पर हम आपको लगातार अपडेट हम देते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं।